शाहपुर थाने की पुलिस ने जिला कारागार में बंदी रक्षक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिरी की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान महेंद्र यादव पुत्र श्यामा यादव निवासी इंदिरा नगर न्यू शिवपुरी कॉलोनी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक द्वारा 13 अक्टूबर 2016 को जिला कारागार में बंदियों द्वारा शासकीय संपत्ति की क्षति पहुंचाए जाने व शासकीय कार्य में बाधा डालने, बंदी रक्षकों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। 13 अक्टूबर को जेल खुलने के बाद कारागार में निरुद्ध बंदी आरफीन, विवेक तिवारी, राकेश सिंह, दीपू उर्फ करुणेश, बुद्धि सागर शुक्ला था अन्य बंदियों द्वारा कारागार के चक्र के अभिलेखों को नष्ट कर दिया गया तथा सरकारी इमारत जिसमें बंदी पीसीओ गृह, पीसीओ यंत्र, सर्किल एवं बैरक में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे, भंडारे के समस्त बर्तनों एवं कैंटीन के समस्त सामान एवं संचार एवं बिजली व्यवस्था तथा पाकशाला के सभी बर्तन को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया गया। चक्र में बनी सर्किल जेलर की गुमटी को ढहा दिया गया और भंडारे के अंदर गैस सिलेंडरों को अपने कब्जे में लेकर आग लगाने का प्रयास किया गया, जिसको देखते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, एसओजी प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, एक अच्छी सफलता मिली है जिसमें उन्होंने एक ऐसे अभियुक्त जो पिछले 7 साल से फरार था, जिसका नाम महेंद्र यादव है, यह अभियुक्त 2016 के एक जेल ब्रेक के अनसक्सेसफुल एफर्ट जिसमें 147, 148, 149, 323, 504, 506, 332, 353, 307, 7CLA एवं अन्य तमाम सेक्शंस के अंदर ये वांटेड था। ये कुल 121 लोगों द्वारा जेल ब्रेक का प्रयास किया गया 2016 में, उसके बाद से ये फरार था। गोरखपुर पुलिस की थाना शाहपुर ने अभी तक टोटल 120 बंदियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है इस केस के अंदर, और इस अभियुक्त बंदी के पकड़े जाने के बाद केस जो है ट्रायल पर आएगा। ये उल्लेखनीय है कि उस समय यह एक बहुत बड़ा मसला बना था जब उन्होंने बंदी रक्षकों एवं जेलर की घुमटी वगैरह तमाम चीज़ों को तोड़फोड़ करके जेल में आग लगा दी थी। उसी मामले में ये पिछले 7 साल से फरार था, इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू। इसमें एक अभियुक्त शेष है, उस अभियुक्त को भी जल्दी गिरफ्तार कर, उसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। थैंक यू।